हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली कमोडिटी। सो इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं क्रूड ऑयल के जो फ्यूचर्स है वो यहाँ पर वीकली बेसिस के हिसाब से यहाँ पर हमें जो है किस तरह से ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पर हमें अगले वीक के दौरान कौन सा प्राइस मोमेंटम, किस तरह का प्राइस मोमेंटम यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। सो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले वीकली कैंडल को भी अगर मैं पर एनालाइज करना चाहे तो एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ पर जो है हमें मोटा मोटी देखने को जरूर मिल रहा है। एक अच्छी खासी क्लोजिंग डेफिनेटली यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिली है, बट इस वीक के दौरान भी एक अच्छा खासा जो मोमेंटम फ्लो है वो यहाँ पर अपसाइड एज वेल डाउन साइड दोनों के अंदर जो है यहाँ पर हमें देखने को मिला है। डेली बेसिस के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पर लास्ट सेशन के अंदर मोटा मोटी एक अच्छा सा हाई जो है ज़रूर लगाते हुए देखने को मिला है, बट क्लोजिंग जो है इतना अच्छा एट्रेटिव पॉजिटिव देखने को नहीं मिला है। तो यहाँ पर मोटा मोटी अगले वीक के दौरान भी अगर यहाँ पर एक अच्छा खासा प्राइस मोमेंटम यहाँ पर हमें 6138 6140 के ऊपर जो है अगर मिलना स्टार्ट करता है तो एक अच्छी जो तेज़ी है वो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्रूड ऑयल के फ्यूचर्स के अंदर। और शॉर्ट पोजीशन के लिए क्वार्टर टाइम भी अगले वीक के दौरान भी 5800 के प्राइस बैंड के नीचे भी अगर यहाँ पर जो है मोमेंटम फ्लो होना अगर जाना स्टार्ट करता है तो एक अच्छी जो शॉर्ट पोजिशनिंग है वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है। सो होप करता हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी और यहाँ पर वीकली ओवरव्यू एनालिसिस के लिए मददगार रही होगी। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।